हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की शुरुआत ना एक दूसरे टॉपिक के साथ करूंगा। दूसरा टॉपिक ये है कि आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था मनी कंट्रोल के ऊपर। मनी कंट्रोल में जो है आर्टिकल था और ये था कि यहाँ से ना 10% का राइज हो सकता है इस शेयर्स के अंदर, और वो कंपनी थी कच्छे बनियान वाली। मैं थोड़ा सा नॉर्मल अंदाज में आपके साथ बोल रहा हूँ, कच्छे बनियान वाली कंपनी जिसके CFO ने और जिसके CMD ने अभी 2 दिन पहले रिज़ाइन दिया था। तो हम कभी कभी देखते हैं कि मतलब एक बहुत अच्छी जो वेल नोन जो काफ़ी क्रेडिबल जो साइट्स हैं वहाँ पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। भाई CFO ने और CMD ने एक साथ रिज़ाइन दे दिया, भैया कौन बर्दाश्त करेगा। अब उसके कल तो चीथड़े उड़ाए थे, आज उसके चीथड़े और उड़ा दिए। 10% बनने की बजाय आज 10% तोड़ दिया वो शेयर। कंपनी का नाम क्या है आप बताइएगा मुझे, ठीक है जी, आप खुद लगाइएगा। मैंने इसलिए थोड़े से हल्के अंदाज में बात की। कल तक मतलब परसों तक वो 500 की लाइन में काम कर रहा था, 500 की लाइन में काम कर रहा था, अभी वो 300 की लाइन में काम कर रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से शेयर बाजार के अंदर जब बियर मार्केट होती है तो एक छोटी सी खबर अगर होती है तो पिटाई होती है, और इतनी बड़ी खबर पे तो बहुत अच्छी पिटाई होती है। जब बुल मार्केट होती है ना भाई साहब, ऐसी खबर को ना नज़रअंदाज कर देता है साइड में। चलिए साइड में, जब इस तरीके की खबरें आती हैं, मैं आपको खुद भी बताऊं तो हमें जो है थोड़ा सा डाउट होता है। आपको अगर याद हो, आप शेयर बाजार में काम कर रहे हो, तो एक मनपसंद बेवरेजेस नाम की एक कंपनी थी, मुझे वो बहुत ही ख़राब लगती थी। मैंने कहा यार ये वैल्यूएशंस पर ये कंपनी मिलनी चाहिए। मैं एक बार शताब्दी में ट्रैवल कर रहा था तो शताब्दी में भी जो है मनपसंद बेवरेजेस का ही जो है एक प्रोडक्ट जो है आप ये कह सकते हैं कि जो मैंगो फ्लेवर का जो एक ड्रिंक था उन्होंने सर्व किया था। ठीक है, आपके पास लिंक है, लेकिन जो उस कंपनी की वैल्यूएशंस देखते थे बाद में उसमें कुछ फ्रॉड्स हुए। तो ये बाजार में होता रहता है, आप बहुत अलर्ट रहते हैं तब भी होता है। और बहुत दिग्गज निवेशक जो है उस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, बहुत बढ़िया बेहतरीन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड थे, बट सब इन्फ्लेटेड था। अब क्या हुआ आप लोग समझते हैं। तो जब कंपनी के CMD या CFO रिज़ाइन करते हैं तो एक जो है डाउट होता है कि कहीं चीज़ें बढ़ा चढ़ा के तो नहीं की गई हैं। और क्योंकि शेयर्स का प्राइस बढ़ाने से जो है आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाती है, प्रमोटर्स की वेल्थ इंक्रीज़ हो जाती है, चाहे बेशक से थोड़ा सा सरकार को टैक्स ज़्यादा दे दो, क्योंकि जो आप इनकम डिस्क्लोज़ करोगे तो उसके हिसाब से आप टैक्स भी पे करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखिएगा बाजार के अंदर चलती हैं। और इसलिए जो है मैं आपके साथ जब भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि बगीचे में आप देखिएगा जितने भी पेड़ लगाएं बहुत सावधानी से लगाएं, बहुत अच्छे से आप उसमें खाद डालें, पानी डालें, बीज की क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन जब मौसम ख़राब होता है ना तो भाई सब उसमें से कुछ पेड़ ख़राब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने ख़राब होते हैं कि वो कभी दोबारा ठीक होते ही नहीं हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे फल पौधे देते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से केयर किया तो। तो अभी बाजार के अंदर आंधी तूफान आया हुआ है, आपके बगीचे के पेड़ उखड़े पड़े हैं, आपके फूल पत्ती टूटे पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच भी अगर आपने अच्छे पौधे लगाए हैं उस और उनको बचाने के लिए जो है आंधी तूफान से बचाने के लिए आपने कोशिश की है तो आप जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रहेंगे। मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। तो आज की जो पिटाई हुई है मैं बाजार के अंदर, आपको पिटाई नजर नहीं आई, इंडेक्स में कुछ मत देखो, इंडेक्स के बाहर जाके खोल के देखो आप भाई साहब। 700 पॉइंट जिस दिन गिरता है ना निफ्टी, उस दिन भी इतना बुरा हाल नहीं होता जो आज आप देखेंगे। तो मैं आपको हो सकता है इसके बाद एक स्पेशल वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आज भाई साहब शेयर्स के जो है चीथड़े उड़ाए हैं। और आज की मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ आपको, तो मैं स्टोरी शुरू करूँगा कल से। तो कल मैंने कहा था भाई साहब दोपहर तक संभाल लो, नहीं तो बाजार उड़ा देंगे, तो उड़ा दिया आज। अब ये देखिएगा बैंक निफ्टी, आज पूरी बैंक निफ्टी ने पूरी जान लगा रखी थी, और हमारा भी एक सौदा था तो सही तरीके से रोल ओवर हो गया HDFC बैंक में। तो क्योंकि वो नीचे था तो करीबन 2 दिन में 40-50 रुपये HDFC बैंक चला है, तो हमें भी थोड़ा सा अपनी पोजिशन को कम्फर्ट करना, मतलब हमें कम्फर्टेबली जो है उसको हमने रोल ओवर कर लिया। हालांकि प्रॉब्लम देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ार में कुछ भी आप कितना भी सेफ खेल लो तब भी थोड़ा बहुत तो भाई रिस्क रहेगा। बाजार है, ये इक्विटी है, आप ये अगर आपको इक्विटी का रिस्क नहीं लेना तो भैया जाके बैंक में FD करिए। यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो रिस्क तो रहेगा बाज़ार में, और धैर्य भी रहेगा। कभी मैं बाद में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो मैं आम बोलचाल की भाषा में बताऊँगा, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताऊँगा। जो मुझे लगता है कि जो ठीक होना चाहिए वो मैं बताऊँगा।
अब देखिएगा यहां पर ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज बचाने की कसम उठा रखी थी। आज भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर ना बैंक निफ्टी के शेयर जो है ना बोल के आए थे अपनी माँ को कि आज हम निफ्टी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, निफ्टी को गिरने नहीं देंगे, और आज हम सांड पे बैठ के आए हैं। भाई साहब आज जो बैंक निफ्टी के अंदर सुबह से ही आप देखेंगे भी जो आज फाइनेंशियल्स के शेयर्स किस तरीके से बाजार को प्रोटेक्ट करते, अगर आज फाइनेंशियल्स के चीथड़े उड़ जाते ना तो भाई साहब बाजार की और बुरी हालत होती ब्रॉडर मार्केट में। आज शुरुआत की भाई साहब बचाने की सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने, दूसरे नंबर पर HDFC बैंक ने, तीसरे नंबर पर ICICI बैंक ने, तीनों दिग्गज। SBI ने सुबह सुबह तो कोशिश की लेकिन भाई साहब 7.10 रुपये का डिविडेंड था एक्स डिविडेंड, तो 7.10 रुपये तो वैसे ही एडजस्ट होने का दिन था उसका, लेकिन फिर भी कोशिश की लेकिन बाद में चूक गया। शुरू में इंडसइंड बैंक भी कोशिश कर रहा था लेकिन बाद में थक गया। एक्सिस बैंक सुबह तो कुछ नहीं कर रहा था लेकिन शाम को आके उसने दम भरा। ये सारी चीज़ें आज बाजार के अंदर में देखने के लिए मिली। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के शेयर जो है TCS आज उसमें डिविडेंड था एक्स डिविडेंड, तो उसमें भी आज कमजोरी थी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग ऑप्शन राइटर्स हैं और थोड़ा कलेजा सब मजबूत है कि नहीं भाई सब देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि TCS के अंदर लॉन्ग करने का टाइम है। और TCS का लॉन्ग करने का तरीका अगर आप सीधा नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो अगले महीने की 3000 की ऑप्शंस जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद सेल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं कॉल खरीदने की सलाह नहीं देता क्योंकि मेरा बाइंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता ऑप्शंस की, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेल करने में एक सबसे खास बात यह है कि जितने की आपने सेल करी मान लीजिएगा आपको रिकवर करने में ज़्यादा पैसे देने पड़ गए तो उसके अगले महीने में उससे ज़्यादा बिकेगी। जैसे मैं आज ही बताऊँ कि मैंने HDFC बैंक की जो अपनी पुट बेच रखी थी तो वो मैंने कवर की, तो आज जो वो पुट कवर की तो अगले महीने की हमने पुट जो सेल की तो वो आज के प्राइस से 10-12 रुपये महंगी ही बिकी है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि TCS के अंदर भी बहुत अच्छी गिरावट आई है, और TCS मेरा मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया वैल्यू पिक की जो है बनती है। ये मेरी अपनी एडवाइस है लेकिन मैं आपको बोलूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ला लें। आप डिलीवरी नहीं भी लेना चाहे तो जहाँ से तकरीबन 200 रुपये नीचे है जहाँ पर मैं पुट राइट कर रहे हैं, तो 200 रुपये की गिरावट होगी फिर आपको लॉस में आएंगे, और अगर थोड़ा सा और इंतजार करें और बाई चांस कल भी गिरावट हो तो फिर आप जो है और ज़्यादा अच्छे पैसे में जो है पुट सेल हो सकती है। बट मैं फिर भी बोलूँगा अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा, और पूरे लोट के पैसे आप इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं, आपके पास पूरा पैसा उतना है तभी आप जो है इस तरीके का एक्शन लें। बट जो लोग इस गिरावट के अंदर कहीं पर वैल्यू देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद एक दो शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यू लगती है, और IT में जो है स्पेशली गिरावट हुई भी है काफ़ी ज़्यादा। और आज ये देखिएगा दोपहर के बाद तक बैंक निफ्टी ने संभालने की पूरी कोशिश की, बाजार को भी संभाला अपने आप को भी संभाला, लेकिन भाई साहब जो माँ को वचन दिया था आज बैंक निफ्टी के शेयर्स ने वो शाम को भाई साहब भालू ने उनके चीथड़े उड़ा दिए, और ये भालू जहाँ एग्रेसिव हो गया फिर भी अंत तक वो प्लस में रहे। ये सबसे खास बात थी कि निफ्टी बैंक ने प्लस में क्लोजिंग दी, अपने आप को प्लस रख पाए, ये ही काफ़ी है चाहे वो मात्र 5 पॉइंट ही क्यों ना रहे हो तो बट लास्ट में एडजस्ट हो गए, वो फिगर ऊपर की तरफ आ गए। आज देखिएगा किस तरीके से रोकने की कोशिश हुई। ये चार्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, वैसे कोटक महिंद्रा बैंक में सुबह से ही आया बाइंग हुई, हर लेवल पर बाइंग करते रहे, बाइंग होती रही। और भालू इस बात को जानता था इनको बाइंग करने दो, भाई साहब धीरे धीरे बेचता रहा लेकिन बाइंग एग्रेसिव थी। जब इस तरीके के लेवल्स आते हैं ना इंट्राडे चार्ट पे, ठीक है, और उसके बाद जब ये गिरते हैं और गिर के दोबारा से जब ग्रीन कैंडल बनती है तो होता क्या है कि बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं अपने भाई साहब इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को अपने सब्सक्राइबर को एक मैसेज भेजती हैं, भाई साहब बाय कोटक महिंद्रा बैंक 1925 रुपये, टारगेट 1960 रुपये, और बस यहीं भालू को पता होता है कि अब ये, और यहाँ देखिएगा ये लेवल था जहाँ से उसने पिकअप किया। तो इस तरीके से जो मल्टीपल कॉल्स आएंगी, मल्टीपल बाइंग आएगी, और ये भालू देखता रहा भाई धीरे धीरे माल बेचता रहा, और जब उसको लगा अरे भाई अब तो खरीदने वाले ख़त्म, उसने उठा के माल फेंक के मारा एक ही बार में, और जहाँ से बाजार चला था ना सुबह उसके भी नीचे लेके जा गए, और यहाँ पर पूरा वॉल्यूम आ गया। तो भैया ब्रोकरेज हाउस के जो थे जिन्होंने स्टॉप लॉस काट लिया उनका ठीक है, नहीं शाम तक उनको भी नीचे कर दिया।
और पूरी ताकत आज जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने लगाई। मैं तारीफ करूंगा आज कोटक महिंद्रा बैंक की। वॉल्यूम जनरली 3 मिलियन का होता है और आज वॉल्यूम्स भी जो है 5 मिलियन से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था, जब मुझे लास्ट याद है जब ये काम हो रहा था। और उसके बाद जो है आज बियर्स ने किस तरीके से गेम खेला है, सिमिलर व्यू आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में भी इसी तरीके का था, लेकिन एचडीएफसी बैंक इतना गिरा नहीं है। एचडीएफसी बैंक में अभी हमें लगता है कि कल भी शायद एक बाइंग आ सकती है। दूसरा, आज निफ्टी को गिरने से बचाया किसने, किसने बचाया आज 10 दिन के मूविंग एवरेज ने। देखिएगा बाजार सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। चलिए जी, ठीक है जी, सिंपल मूविंग एवरेज है। अब एक लेवल बचा है 16037 जहाँ पे बाजार बंद हुआ है। भाई साहब अगर ये भी उड़ा दिया ना कल 16000 के नीचे, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे निफ्टी की ज़्यादा चिंता नहीं है, मुझे चिंता है बाकी जो बाजार में जो निवेशक हैं उन्होंने जो शेयर्स खरीद रखे उनका जो आज बुरा हाल किया वो कहीं कल कंटिन्यू ना हो जाए। बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब सब लोग बोलेंगे इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा, इन सब चीज़ों में मत आइए। जब बाजार गिरने की बारी आती है तो बाजार जब गिरेंगे तो भाई सब लोग नीचे के लेवल देना शुरू कर देते हैं। अपना दिमाग लगाइए, बाजार की गिरावट के साथ साथ अपनी खुद की कैलकुलेशन करिए, वैल्यूशन देखिए, और अगर आपका नज़रिया 2-3-4 साल का है तो आपको खरीदने के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। ये मैंने पिछले 10-15 दिन पहले भी कहा था, लेकिन वहाँ से देखिएगा हमने भी खरीदा और उसके बाद भी नीचे आ गए। तो इसीलिए जो है SIP मोड के अंदर ही जो है निवेश हमें लगता है कि बेहतर रहता है। और कल मैंने आपको कहा था कि भाई साहब आज दोपहर के अंदर जो है बाजार गिरा देंगे, और वो आज हुआ भी। ये एशियन पेंट्स, भाई साहब एशियन पेंट्स को तो बख्शा ही नहीं, भाई साहब क्या बख्शेंगे। अब आप बताइए, वैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा, देखिएगा एशियन पेंट्स ना एक बहुत वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, और मैं ये कहूँ कि अगर इंडिया के अंदर पेंट इंडस्ट्री का, अगर पेंट इंडस्ट्री को किसी दूसरे रूप से अगर जानने की कोशिश करें तो एशियन पेंट जो उसमें बखूबी जो है फिट बैठता है। मल्टीपल ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के अंदर ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। और सिमिलरली इन्हीं के साथ मैं एक और कंपनी की बात करूँगा, PD लाइट इंडस्ट्रीज, वो भी मतलब इससे रिलेटेड है वो, हम हालांकि उसके जो है थोड़े से अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो पेंट में नहीं है, लेकिन जब आप पेंट घर में पेंट कराएंगे तो एशियन पेंट्स का और PD लाइट इंडस्ट्रीज का जो है महल आपके घर में ज़रूर आएगा। चाहे वो पानी से बचाने के लिए, सीलन से बचाने के लिए, फिक्सिंग करने के लिए, या कलर्स जो आप मिक्स करेंगे वो, या वो एशियन पेंट्स के होंगे। तो ये जो दो कंपनियां ये बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं। आज इन्होंने भूत उतारा भाई साहब एशियन पेंट्स का। रीज़न बहुत महंगी वैल्यूएशंस है, और मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे नहीं आएंगे तो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। अब मैं आज की वीडियो में भाई यहीं पर विराम देता हूँ। अभी मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी आपके साथ और शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट के रैशनल्स थे वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि कल का मेरा क्या व्यू बनता है, आज बाज़ार में क्या हुआ। उसके बाद अगर समय बचेगा तो कुछ और मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।